गुड मॉर्निंग एवरी वन. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया. तो आप लोगों को जैसे पता ही होगा, हम लोग इसे पढ़े पढ़े तो वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया मीन्स हम लोग ट्रांसमिशन या तो दो वे में कर सकते हैं, या तो वायरलेस मीडिया के थ्रू या वायर्ड मीडिया के थ्रू. वायर्ड में हम लोग केबल्स चाहिए और वायरलेस में विदाउट केबल्स हम लोग डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो अब यहाँ पे है जैसे कि वायरलेस में हम लोग डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज करते हैं वेव का, जो कि होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब हम लोग इसमें जो भी यूज करते हैं, जो भी डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, सारे वेव की हेल्प से होते हैं. तो वायरलेस मीडिया का जो सबसे पहला टाइप है वो है इंफ्रारेड कम्युनिकेशन. तो ये होता क्या है, आप लोग फिगर देखो. पहले फिगर में क्या है, ये एक ऐसा वेव है जैसे कि हम लोग आसानी से लैपटॉप को, कंप्यूटर को, एयर कंडीशनर को, ठीक है, टेलीफोन को, कार को, कैमरा को, सारे को हैंडल कर सकते हैं. जैसे रिमोट कंट्रोल, आप लोग देखो एक रिमोट में छोटी सी लाइट होती है, वो लाइट से हम लोग अपने टीवी को क्या हैंडल करते हैं. उस रिमोट कंट्रोल से आप देखते हो कार हैंडल होता है, ठीक है, एसी हैंडल होता है. तो ये जो आपका जो रिमोट कंट्रोल में जो छोटी सी लाइट होती है उसको बोला जाता है इंफ्रारेड रे, ठीक है. अब इंफ्रारेड का काम क्या है कि ये एक पार्टिकुलर लाइन में ही काम करेगा. अगर कोई वाल आ जाता है तो वो रिमोट काम नहीं कर सकता है, ठीक है. जैसे कि आप लोग टीवी में देखे होंगे कि वो जो टीवी का जो सिग्नल है और वो आपका जो रिमोट का सिग्नल है, वो अगर आपस में कॉन्टेक्ट होगा तभी ये वर्क कर सकता है, ठीक है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा. तो हम लोग सिंपली ये समझ सकते हैं कि जो हम लोग इंफ्रारेड रे यूज कर रहे हैं वो यूज होता है टीवी रिमोट में, ठीक है. टीवी रिमोट में नहीं, जो भी रिमोट आप लोग देखते हैं जिसके थ्रू हम लोग कार में कैमरा को, माइक्रोवेव ओवन को, सॉरी माइक्रोवेव ओवन भी एक टाइप का डिवाइस होता है, उसके बाद टेलीफोन को, सारे को हैंडल करते हैं, वो सारा इंफ्रारेड होता है. तो इसे डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन या अनदर कॉमनली यूज्ड वायरलेस कम्युनिकेशन इन आवर डेली लाइफ, इट यूज इंफ्रारेड वेव्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इंफ्रारेड कम्युनिकेशन यूज रिमोट कंट्रोल ऑफ टेलीविजन, कार्स, ऑडियो इक्विपमेंट, ETC. इसका सबसे बड़ा मतलब इसका रेंज होता है 8 से 10 मीटर, ये रेंज में वर्क करेगा, उसके बाद ये वर्क नहीं कर सकता है.